हनुमान जी में निष्ठा हो गए, उनका नाम लेकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाना शुरू कर दो। 15 दिन में एक बार, हर शनिवार या महीने में एक बार जाओ, वो तुम करके आओगे और बागेश्वर धाम की पेशी करोगे तो कभी तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कर्म भी साथ में बहुत आवश्यक है। आप सोचो कि हम केवल अकौआ के पत्ता की माला बजरंग बली या चढ़ावे पे काम ना करें और रुपया बरसन लगे, असंभव। कर्म भी करो, रोजगार मिलने लगेगा। घर में बीमारी रहती, खूब उपद्रव मचा है, दवा लगातार चल रही है, दवाएं काम नहीं कर रही है, 5 आहुति रोज सन्यासी बाबा के नाम की दो, हनुमान चालीसा की 1 चौपाई नोट कर लो, बहुत पावरफुल है। नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके, 5 आहुति देकर, कटोरी भर गंगा जल रखकर फूंक कर रोगी को पिलाना शुरू कर दो, रोज 40 दिन तक दवा असर करने लगेगी। विश्वास पूर्वक भर करना, बीमारियां हटने लगी। घर में बहुत दरिद्री है, दरिद्रता है, बहुत गरीबी है, कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा। अपने घर पर आप भगवान कृष्ण का सुदामा जी वाला चित्र रखो, वह चित्र रखो जिसमें भगवान सुदामा जी के तंदुल खा रहे हैं, इसे द्वार पर टांग दो। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी एक अंदर की तरफ से, एक बाहर की तरफ से। सुदामा जी का चित्र होना चाहिए आपके घर के अंदर जिसमें भगवान तंदुल खा रहे हैं, तंदुल मतलब चावल, वह चित्र भीतर की तरफ कर दो। पंचमुखी हनुमान जी या बागेश्वर बालाजी का चित्र मेन द्वार पर आप टांग दो, बागेश्वर हनुमान जी का। आपके घर में भूत पिशाच प्रवेश नहीं करेंगे, और जैसी सुदामा जी की बिगड़ी बनी, एक दिन आपकी भी बिगड़ी बनी। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण और सुन लीजिए, 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण है, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का संत का अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो झूठे बर्तन को किचन में रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम, रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवा कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती, जो व्यक्ति
अपने घर पर माताएं आटा गोंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं। जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये आठ कारण है। इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी।